प्रेस क्लब सोलन की ओर से बुधवार को प्रेस रूम में ब्लड डोनेशन कैंप पर निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सामाजिक सरोकार युक्त इस कार्य की जमकर सराहना की। उन्होंने प्रेस क्लब सोलन को अपनी ऐच्छिक निधि से 30,000 रुपए देने की भी घोषणा की। इस दौरान बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, राजेश कश्यप सहित डॉक्टरों की टीम उपस्थित रही। रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्त एवं करीब 300 लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया। कार्यक्रम में प्रेस क्लब में सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। आज प्रेस क्लब सोलन के द्वारा यहाँ डोनेशन कैंप रखा गया है और इसमें मुझे सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे पत्रकार मित्रों ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में सर्वप्रथम स्वयं ब्लड देकर के जो है इसका शुभारंभ किया। मैं इसके लिए प्रेस क्लब सोलन को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये मेरे अनुभव की बात है कि प्रेस क्लब सोलन जो है हमेशा सामाजिक सरोकारों में और समाज के प्रति जो दायित्व उत्तरदायित्व है उसमें हमेशा अग्रणी रह करके और पत्रकारिता के पेशे को जो है अलग रख करके हमेशा आगे रहते हैं। इसके लिए जो है हमारे प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय मित्र जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। मिनिमम 30 यूनिट का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और मुझे ये बताया गया कि 20 यूनिट का लक्ष्य जो है वो सिर्फ पत्रकार लोग जो हैं उसको पूरा करेंगे और अभी काफ़ी लोग युवा लोग जो हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में आने वाले हैं। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे स्थानीय प्रेस क्लब को अपनी ओर से देना चाहता हूँ। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट।